पीएम मोदी आज पूरी हावड़ा वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी, विकास योजनाओं की देंगे सौगात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम ओडिशा में 8200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को समर्पित करेंगे। पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी आज पुरी से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास भी करेंगे, जहाँ ये पूरा कार्यक्रम होना है। वहाँ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुँच चुके हैं और उन्होंने कार्य प्रगति का जायजा लेने के लिए आधी रात को पुरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम ओडिशा में 8200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को समर्पित करेंगे और पुरी और कटक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए आधारशिला रखेंगे। रेल मंत्री ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में विकास कार्यों के लिए 10000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 10 साल पहले ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता वाले राज्य के विकास के लिए केवल 800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। पश्चिम बंगाल को मिलने वाली यह दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस, रेलवे अधिकारी ने कहा कि हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को गुरुवार को दोपहर करीब 1 बजे पुरी से वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाएंगे। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस के बाद पश्चिम बंगाल को मिलने वाली यह दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ट्रेन हावड़ा और पुरी के बीच 500 किलोमीटर की दूरी लगभग 6.5 घंटे में तय करेगी। हावड़ा से सुबह 6:10 पर चलेगी और दोपहर 12:35 पर पहुंचेगी। हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन 20 मई को हावड़ा और पुरी से शुरू होगा और यह गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। यह हावड़ा से सुबह 6:10 पर चलेगी और दोपहर 12:35 पर पुरी पहुंचेगी।